हेलो दोस्तों, वेलकम एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह हम लोगों ने अपना टैक्स ट्रीटी फॉर्म को फिल करना है, क्योंकि जिस तरह हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है, एडिसन अकाउंट बन जाता है, तो एडिसन की तरफ से रिक्वायरमेंट है कि हमें टैक्स ट्रीटी फॉर्म को फिल करना है। अगर हम लोग फॉर्म फिल नहीं करेंगे तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें 24% टैक्स हमारी तमाम अर्निंग के ऊपर पे करना पड़ेगा, और अगर हम लोग फॉर्म फिल कर देंगे तो कंट्री टू कंट्री का अमेरिका के साथ क्या टैक्स ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके मुताबिक आपसे टैक्स काटा जाएगा, जो कि सिर्फ अमेरिकन ऑडियंस जो आपकी वीडियो वॉच करेगी उस पर से आपको सिर्फ टैक्स काटा जाएगा। बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको फ्री रहेगा कि आप जितने भी अर्निंग करेंगे तमाम के तमाम पैसे आपको मिलेंगे इसके। तो अब जिस तरह हम लोग इंडियन का फॉर्म में अभी फिल करूंगा तो सेम यही स्टेप पाकिस्तानी भी इसको फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ इतना फ़र्क है कि इंडियंस अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तानी अपनी शिनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी सेम टू सेम स्टेप्स, जो भी इन्फॉर्मेशन इसमें डालूंगा आपने अपनी उसी तरह उसमें इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे तो आपका भी टैक्स ट्रीटी फॉर्म फिल हो जाएगा। वो किस तरह फॉर्म फिल करते हैं, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम कैसर रहीम है और आप देख रहे हैं ई डिजिटल टेक्निक यूट्यूब चैनल। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ई डिजिटल टेक्निक्स। जी दोस्तों, अभी हम लोग अपने मेन अकाउंट में आ चुके हैं। एडिसन अकाउंट को ओपन कर लिया हुआ है। जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है, हम लोग एडिसन अकाउंट को जब ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह से देखेंगे टैक्स मैनेज इन्फो, मैनेज टैक्स इन्फो यहाँ पर आ जाता है। अगर किसी वजह से हमने डिसमिस पे क्लिक कर दिया और हमारे सामने ऑप्शन नहीं आ रही तो हम लोग इस ऑप्शन को देखने के लिए पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे। पेमेंट्स पे क्लिक करने के लिए हमने यहाँ पर देखेंगे मैनेज सेटिंग, सेटिंग के नीचे यहाँ पे मैनेज सेटिंग लिखा होगा तो हम लोगों ने यहाँ पर क्लिक कर देना है। जब क्लिक करेंगे तो हम लोग इसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं तो यहाँ पर ये देखेंगे यूएसए यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फॉर्मेशन, इसके सामने पेंसिल का निशान आ रहा है। हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ आ रहा है तो हम लोग यहाँ पर इसके क्लिक कर देंगे। हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमसे सामने इस तरह का एक पेज ओपन होकर आ जाएगा। अगर हम डायरेक्टली इस पे भी क्लिक करते हैं, अगर हमने डिसमिस पे क्लिक नहीं किया तब भी ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। अगर हम लोगों से डिसमिस पे क्लिक कर दिया है तो पेमेंट के थ्रू हम लोग सेटिंग और मैनेज सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ही हम लोग आ जाएंगे। तो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं टैक्स फॉर्म को फिल करने के लिए। जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे से दोबारा से हमारे अकाउंट की वेरिफिकेशन का ये पूछेगा, तो हमने दोबारा से फिर अपने अकाउंट को लॉगिन करके अपने अकाउंट की वेरिफिकेशन इनसे करवानी है। जो हमारी अकाउंट की वेरिफिकेशन हो जाएगी तो हमारे सामने यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फॉर्मेशन ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ द अकाउंट इज संगीता कुमारी, तो इनका जो अकाउंट है वो है इंडिविजुअल। अगर हमारा अकाउंट अगर इंडिविजुअल है तो हम लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है। अगर कंपनी है या नॉन इंडिविजुअल हैं हम लोग ग्रुप में हैं तो हम लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना, लेकिन ये इंडिविजुअल हैं तो यहाँ पर क्लिक किया। हमसे पूछ रहे कि क्या आप यूनाइटेड स्टेट रेजिडेंट्स हैं, तो हम यहाँ पर हम लोग नो पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब जब हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअल पे क्लिक कर रहे हैं और उसके बाद नो पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है कि W-8 BIN, जो इंडिविजुअल है और नॉन रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट है तो उनके लिए W-8 BIN फाइल है, और अगर आप कंपनी है तो उनके लिए भी ये फॉर्म है W-8 ECI, और अगर आप यूनाइटेड स्टेट के हैं तो तब भी ये नीचे वाला फॉर्म। लेकिन हम लोग इंडिविजुअल के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हम लोगों ने इंडिविजुअल सेलेक्ट किया, उसके बाद नॉन यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट किया और उसके बाद हम लोगों ने इसको सिलेक्ट करके स्टार्ट W-8 BIN फॉर्म को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। जब हम लोग इसके सामने ओपन करेंगे तो ये देखेंगे यहाँ पर उनका जिस नाम से आपका अकाउंट बना हुआ है आपके यहाँ पर नाम लिखा हुआ आ जाएगा सेकंड, और ये ऑप्शनल है। यहाँ पर ये देखेंगे ऑप्शनल लिखा हुआ है इन्होंने, और हम लोगों ने यहाँ पे इसको फिल करना है लाजमी। यहाँ पे हम अगर आप पाकिस्तान से तो आपने पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है। मैं क्योंकि इंडिया के हैं तो मैं इंडिया वालों के लिए अगर जो फॉर्म जो फिल कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करना है। अगर आप पाकिस्तान से तो आपने पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर देखेंगे फॉरन टिन नंबर हमसे पूछ रहा है कि आपने टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर बताएं, तो यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने अगर इंडिया से हैं तो हमने पैन कार्ड को यहाँ पर नंबर डालना है, और अगर हम लोग पाकिस्तान से हैं तो हमने अपने शिनाख्ती कार्ड का नंबर बिना लाइन के, क्योंकि पाकिस्तान का जो शिनाख्ती कार्ड नंबर या CNIC नंबर है उसमें 5 डिजिट्स होते हैं, फिर लाइन होती है, फिर 6 डिजिट्स होते हैं, फिर लाइन, फिर 2 डिजिट या 3 ऐसे होते हैं या 1 डिजिट होता है, तो हमने वो लाइन को ख़त्म करके बिना लाइन बिना स्पेस के पूरे नंबर यहाँ पर लिख देने हैं। अगर हम लोग इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो हम लोग क्या है कि यहाँ पर जाकर गूगल को ओपन करते हैं, इसे पूछते हैं कि टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर इंडिया वालों के लिए वो कौन सा है, तो मैं यहां पर क्लिक करता हूं। यहां पर देखें कि इन इंडिया टिन इज ऑफिशियली कॉल्ड पैन कार्ड नंबर, तो हमने यहां पर
पैन कार्ड का नंबर ही डालना है। अगर हम लोग यहाँ पर पाकिस्तान का लिख देते हैं, पाकिस्तान का टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखते हैं, तो यहाँ पर ये देखें कि हमें ये CNIC नंबर के बारे में ही बता रहा है कि पाकिस्तान का जो इसको NTN नंबर एज ए टैक्स TT नंबर पे के तौर पे हम लोग CNIC नंबर को भी हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर फॉरन TNT नंबर, उनका जो पैन कार्ड का नंबर है, मैं यहाँ पर उनका ये लिख देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने उनका लिख दिया हुआ है पैन कार्ड का नंबर, और ये हमारा जो है ऑप्शनल है। अगर यूनाइटेड स्टेट से हैं तो हमें US का लिखना है, अगर नहीं है तो हमने इसको ऑप्शन इसको छोड़ देना है। उसके बाद हम लोग इसको नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने कुछ इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा कि फर्स्ट जो हमारी आइडेंटिफिकेशन वो डिक्लेयर हो गई है, सेकेंड अब है कि आपके एड्रेस की वेरिफिकेशन है। तो हम लोगों ने यहाँ पर परमानेंट एड्रेस रेजिडेंस को हम लोगों ने यहाँ पर इसको क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ देखें कंट्री पहले से सिलेक्टेड है इंडिया, और यहाँ पर हमने वही एड्रेस लिखना है जो हमने एडसन अकाउंट में लिखा हुआ था। तो उसके लिए सबसे आसान मैं क्या समझता हूँ कि मैं यहाँ से इसी को कॉपी करता हूँ। कॉपी करके एक अलग से मैं टैब को ओपन कर लेता हूँ। जब ये फॉर्म किसी का फिल कर रहा हूँ तो जब अलग से मैं इस फॉर्म को ओपन करता हूँ अलग टैब में, तो उसके बाद क्या है कि हम लोग इसको डायरेक्टली पेमेंट्स में हम लोग जाते हैं। पेमेंट्स पे जब हम लोग क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखें सेटिंग के नीचे यहाँ पर मैनेज सेटिंग आ जाएगा। तो इसके बाद हमारे सामने देखें कि यहाँ पर हम स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं, यहाँ पर ये देखें कि नेम एड्रेस लिखा हुआ आ रहा है, इसके सामने पेंसिल का निशान है, तो ये हमारा वो एड्रेस आ जाता है जो हमने एडिसन अकाउंट में पहले से फिल किया होता। हमने सेम टू सेम एज इट इज़ वही हमने अपने टैक्स फॉर्म में यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए मैं यहाँ से इनका सारा एड्रेस कॉपी करके यहाँ पर फिल करता हूँ, तो फिर आगे हम लोग बताते हैं कि आगे अपने फॉर्म कैसे फिल करना है। देखिए मैंने यहाँ पर अपना फॉर्म को फिल कर लिया हुआ है। जब हम लोग इस फॉर्म को सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करके हम लोग वही एड्रेस सेम टू सेम यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेंगे, तो हमारे से यहाँ से पूछ रहा है अगली ऑप्शन पे कि मेलिंग एड्रेस इज सेम एज परमानेंट रेजिडेंट एड्रेस। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एज पर उनके कि जो उनका परमानेंट रेजिडेंट एड्रेस है सेम टू सेम वही है जो उन्होंने एडसन में दिया हुआ है, तो उसको क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद टैक्स TT, तो यहाँ ये पूछ रहा है कि आर यू क्लेमिंग रिड्यूस रेट ऑफ विद होल्डिंग अंडर द टैक्स TT। तो हम लोग यहाँ पर यस के हमारा कंट्री जो है अगर पाकिस्तान से तब भी हमारा टैक्स TT रिड्यूस विद होल्डिंग टैक्स को क्लेम करता है, और अगर इंडिया से तब भी। तो यहाँ पे पहले यस पे क्लिक किया, उसके बाद यस यहाँ पे क्लिक करके हमने यहाँ पर कंट्री को सिलेक्ट करना है। अगर पाकिस्तान से हैं तो आपने पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है, और अगर आप इंडिया से हैं तो आपने इंडिया को सिलेक्ट करने हैं। इंडिया को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, तो उसके बाद हमारे पास ये सेक्शन खुलकर आ जाएगा जिसमें लिखा हुआ है कि स्पेशल रेट्स और एंड कंडीशंस। तो हम लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है, और हमारे पास यहाँ पर पैराग्राफ जो भी पाकिस्तान से अगर यहाँ पर जो लिखा हुआ आ रहा होगा आपने उस आर्टिकल को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम लोगों ने जब यहाँ पर अपने कंट्री को सिलेक्ट करना है तो उसके मुताबिक ही ये फिर लिखा हुआ आ जाता है। उसके बाद हम लोगों ने इस पर क्लिक किया, उसके बाद हम लोग सेकेंड यहाँ पर क्लिक करके हमने ज़ीरो रेट TT हम लोगों ने यहाँ पर इसको टैक्स करने का हम लोग ज़ीरो टैक्स TT को क्लेम करते हैं, और इसके बाद हमने इस बॉक्स पे चेक कर देना। ये मैंने पहले से रीड कर लिया हुआ है, तो सेम टू सेम इसी तरह ही हम लोगों ने फॉर्म को फिल करना। अगर आप इसको रीड करना चाहते हैं तो आप इसको भी रीड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास एक और ड्रॉप बार ओपन होकर आ जाता है। इस पर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो 12 आर्टिकल 12 पे सिलेक्ट करके और पैराग्राफ नंबर 2A को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर देखेंगे 15 नंबर, और अगर आप पाकिस्तान से हैं तो यहाँ पर 30 लिखा हुआ आएगा, क्योंकि ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है कि अगर इंडिया से हैं तो 15% विद होल्डिंग टैक्स हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे, अगर अगर इंडिया से अगर पाकिस्तान से हैं तो यहाँ पर 30 लिखा हुआ आएगा। तो ये इंडिया के साथ 15% क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है US का, तो हम लोगों ने 15% को सिलेक्ट करना है। अगर पाकिस्तान से यहाँ पर 30 आएगा, हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने अगले फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद हमारे सामने ये ओपन होकर आ जाएगा। ये दोबारा आ जाएगा कि आर्टिकल नंबर 12 पैराग्राफ नंबर 2A, तो उसके बाद हम लोगों ने इसको सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर फिर दोबारा 15 नंबर को सिलेक्ट करना है, और अगले बॉक्स को यहाँ पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जो हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे से ये पूछ रहा है कि आर यू कन्फर्म हैव द रिव्यू और द जनरेटेड डेट डॉक्यूमेंट्स आर बेस्ट बाय एक्नॉलेज। तो आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन वो आपने को सही दी है, इसमें हम लोगों ने नेक्स्ट पे यहाँ पे टिक करके इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
तो यहाँ पर जो आपके पैन कार्ड पे नंबर यहाँ पे लिखेंगे फुल लीगल नेम, तो आपका जो भी आपके पैन कार्ड पे लिखा हुआ है या आपके शिनाख्ती कार्ड पे जो स्पेलिंग लिखे हुए हैं, जो कैपिटल है आपने वो कैपिटल लिखना है, जो स्मॉल लिखा हुआ है आपने वो स्मॉल लिखना है। तो सेम टू सेम मैं उस नाम को यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हमने अपना वो लीगल नेम यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर हमारे से अगली ऑप्शन में ये पूछ रहा है कि आर यू द पर्सन लिस्टेड द सिग्नेचर सेक्शन, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पर यस यहाँ पर क्लिक करना है और इसके बाद हम लोगों ने इसके बाद नेक्स्ट पर हम लोगों ने क्लिक कर देना है। जब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये एक और आ जाएगा कि हैज़ इंडिविजुअल और आइडेंटिफिकेशन टेक्स सेक्शन परफॉर्म्ड एनी एक्टिविटी इन गूगल और यूनाइटेड स्टेट। तो हम लोग कहीं गूगल में या हम लोग यूनाइटेड स्टेट में कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमसे ये जब पूछेगा तो हमने यहाँ पर नो पे क्लिक करना है कि हम लोग ना तो यूनाइटेड स्टेट में कुछ करते हैं ना हमारे कोई गूगल के साथ कोई एक्टिविटी। तो इसको हम लोग नो पे क्लिक करने के बाद यस पे क्लिक कर दिया। और यहाँ पर एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन आ जाती है कि यहाँ पर कि आई एम प्रोवाइडिंग द टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर न्यू एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल दैट हैज़ बीन रिसीव्ड पेमेंट। तो अगर हम लोगों ने पहले से कोई रिसीव्ड पेमेंट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड, अगर आपने पहले से पेमेंट रिसीव नहीं की हुई तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आपके पहले से आपका चैनल मोनेटाइज था और आप एडिसन से पेमेंट्स ले रहे थे तो आपने नो पे क्लिक करना है। लेकिन इन्होंने अभी तक कोई पेमेंट रिसीव नहीं की तो यहाँ पर नो पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे। तो ये विद इन 30 सेकेंड आप देखेंगे कि ये हमारा जो है टैक्स जो है फॉर्म हमारा अप्रूव हो जाएगा। देखेंगे विद इन 30 सेकंड से कम मतलब 15 सेकंड ही लगे। तो यहाँ पर ये देखें कि इनके अप्रूव और क्लेम्ड यहाँ पर ये लिखा हुआ आ गया हुआ है। डेट्स इट, हमारे पास इतना ही काम है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर इसे हम लाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो के बारे में आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं, आपको वीडियो कैसी लगी है, हम लोग इस वीडियो को कैसे मज़ीद इम्प्रूव कर सकते थे, तो आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।